बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट जिले के बीच बना 294 किलोमीटर लंबा फोर लेन एक्सप्रेसवे है। नॉर्थ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े इस प्रोजेक्ट को 16 जुलाई को इनॉग्रेट किया गया। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट जिले के गोंडा से प्रधानमंत्री ने इसको बनाने के लिए शिलान्यास किया। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट धाम में टूरिज्म बढ़ने की संभावना है। ये प्रोजेक्ट 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था। इस पूरे मार्ग का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 14,751 करोड़ रुपए का खर्च आया, जिसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट भी शामिल है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, अरैया से होते हुए इटावा जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 6 अलग अलग हिस्सों में टेंडर निकाले गए और 4 कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इस प्रोजेक्ट में 4 रेलवे ब्रिज, 14 बड़े ब्रिज, 268 छोटे ब्रिज, 18 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा, 7 रैप प्लाजा और 214 अंडर पासिस बनाए गए। 296 किलोमीटर के दायरे में फैले एक्सप्रेसवे से अब दिल्ली से चित्रकूट जाने का समय लगभग आधा हो गया है। पहले जहां 12 से 14 घंटे लगते थे, वही अब ये दूरी 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद टूरिस्तान।